हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और चैनल का नेम तो आपको पता ही है। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, तो एक ये घटना है जो मेरे साथ हुई। अभी तक तो एक बार हुई है, लेकिन डायरेक्टली कभी किसी ने ऐसा मुझे इतना बड़ा ऑफर नहीं दिया। लेकिन कल मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कह लो और एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी कह लो, दोनों चीज़ें थी मेरे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कल। जैसे कि रिसेंटली मैंने कभी वीडियो डाला हुआ है कि मैं कॉलेज का टूर करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिन बच्चों के भी नीट में कम मार्क्स आए हुए हैं और उनका ऑप्शन यही है कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है भैया और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। तो डॉक्टरी के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। MBBS आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा और भी हैं। आप BMS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस कर करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसमें डेंटल सर्जरी थोड़ा सा अलग हो जाती है। बाकी जो है वो BMS और BHMS आप पेशेंट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे जो मैंने थंबनेल पे लगा रखा है। तो उसी कॉलेज विजिट के दौरान कल मेरा पहला कॉलेज का विजिट था, और जब मैं कॉलेज का विजिट कर रहा था तो एक्चुअली देखो, अब मैं मेजर ST का स्टूडेंट हूँ। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, आई एम अ BMS स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम द कॉलेज मेजर ST सिंह, PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि आई एम currently pursuing my BMS from Major ST Singh, PG Ayurvedic Medical College and Hospital. I am a Ayurvedic student doing BMS right now. तो उसी के regarding बहुत सारे बच्चे मुझे message करते हैं कि भैया आपका college तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई और college suggest करिए, क्योंकि अभी तक क्या है आपकी ज़िंदगी जो है ना, school से coaching, coaching से school से coaching, फिर उसके बाद घर, घर से school से coaching, फिर घर, इसी में इर्द गिर्द रही है ना। इसके अलावा कोई आपने कभी अच्छे से किसी से बात नहीं करी, किसी अच्छे लेवल पे बैठे हुए इंसान से बात नहीं करी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता है। आपको बस सिर्फ यही तीन चीज़ें पता है कि घर जाओ, मम्मी पापा, उसके बाद बाहर जाओ, दोस्त वोस्त होंगे, फिर कोचिंग जाओ, वही दोस्त वोस्त होंगे, और स्कूल अपना जाते हो तो स्कूल, 11th 12th में हो तो स्कूल जाते होंगे। इतनी ही आपको दुनिया मालूम है, इसके अलावा आपको दुनिया नहीं मालूम है। तो ऐसे ही बच्चे मुझसे पूछते हैं कि और भी कॉलेजेस बताइए, हमें तो कोई नहीं मालूम है, आप ऑप्शन दे दीजिए, मैं कौन सा ले लूं। तो अब देखो, मैं भी BMS के कॉलेज में हूं, तो मेरा भी जो नॉलेज है वो इस बेस पे है कि किसी का भाई कहीं पढ़ रहा है, किसी की बहन कहीं पे पढ़ रही है, किसी का दोस्त कहीं पढ़ रहा है, तो आपस में इंफॉर्मेशन वो लोग बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि यार मेरे कॉलेज में ये हुआ, तो वो बोलता है अच्छा मेरे कॉलेज में तो ये नहीं होता, वो बोला मेरे कॉलेज में ऐसा है, वो बोला मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं होता। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर कॉलेज की एक दूसरे से शेयर होती हैं, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि हाँ इस कॉलेज में ऐसा है, इस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ का कैंपस अच्छा है, यहाँ की जो टीचर फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी ऐसी नॉलेज मेरे पास है जो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। बाकी हर कॉलेज के बारे में मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो कल मैं कॉलेज विजिट करने गया था वो रिसेंटली अभी ओपन हुआ है। मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा पहली बात तो, क्योंकि उस कॉलेज का जो एक्सपीरियंस रहा मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि अब जैसे मैं मेजर ST का स्टूडेंट हूँ, तो मेजर ST का अगर मुझे वीडियो डालना है या मेजर ST के बारे में मुझे फ़ोटो लेनी है या वीडियो बनाना है, तो मुझे परमिशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्लास में भी जा सकता हूँ, मैं लैब में भी जा सकता हूँ, मैं वहाँ हॉस्टल में भी जा सकता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं कहीं का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं वहाँ पर वीडियो बना सकूँ, वहाँ किसी से बात कर सकूँ, वहाँ के कॉलेज की फ़ोटो ले सकूँ। तो ऐसे ही जब मैं कॉलेज में इंटर किया, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि यार मुझे इस कॉलेज का थोड़ा सा रिव्यू लेना है, बात करनी है स्टूडेंट से कि कैसी फ़ीस है और कैंपस की लाइफ कैसी है, यहाँ पर हॉस्टल लाइफ कैसी है, स्पोर्ट्स के लिए क्या होता है, पढ़ाई कैसी होती है, हॉस्पिटल कैसा है, OPD कैसी चलती है। तो ये सारी मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अब मेरा फ्रेंड वहाँ पे जॉब करता है उसी यूनिवर्सिटी में, तो उसने बोला कि यार यहाँ पर ऐसे किसी स्टूडेंट से तो पर्सनली नहीं बात कर सकता कोई बाहर का, इवन कह रहा था हम लोग भी नहीं बात कर सकते अगर हम उस डिपार्टमेंट के नहीं हैं। तो
मैंने कहा ठीक है, तो किससे बात करनी होगी? तो बोला मैं आओ जानता हूँ, उनसे परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद अगर वो अलाउ करेंगे तो बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए तो उन्होंने एक मार्केटिंग वाले हैं जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनसे बात करी तो वो बोले कि ये आप यूट्यूब पे अगर अपलोड करेंगे तो इसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको VC सर से बात करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, आपके चैनल का नाम क्या है, कौन कौन देखता है, आपके किस फील्ड के बच्चे हैं आपके पास, और ये सारी चीज़ें मुझसे पूछा, मेरा चैनल देखा उन्होंने। फिर उसके बाद देन उन्होंने बोला ठीक है मैं एक बार VC सर से बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग को बाहर बैठा दिया, VC सर के पास गया, और VC यू नो एकदम टाई वाई लगाए और जैसे एकदम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं ना, मोदी से ज़्यादा तो इन्हीं के पास काम है, तो वैसे ही VC एकदम कांच के केबिन में बैठे हुए। तो उनके पास गए, सर बाहर से कुछ आए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपना कॉलेज का रिव्यू लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज का, तो क्या करना है? तो सर ने फिर जो भी बोला हो, फिर मुझसे बोला आपको सर ने बुलाया, तो मैं और अपने फ्रेंड को लेकर के गया। तो अब वो क्या है, बंदा ऐसे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा, लैपटॉप पे काम कर रहा है। देन बोला कि सिट डाउन जेंटलमैन। फिर ऐसे किसी कॉल आ गई उससे इंग्लिश में, क्या जा आई विल डू इट, ओके डेफिनेटली, ओके ओके ओके, ऐसे करके बात करता रहा। बात करने के बाद भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, फिर मेरे से सीधा एकदम डायरेक्टली एक क्वेश्चन फेंक के मारा, व्हाट डू यू वांट जेंटलमैन? मैं कहा सर आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर आयुर्वेदा कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ एंड OPDs, हॉस्पिटल, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू नो। तो बोला कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मैंने कहा कि आई एम ऑल्सो द BMS स्टूडेंट एंड आई एम परसुइंग माई डिग्री फ्रॉम मेजर एसटी सिंह। देन उन्होंने कहा ओके। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, अभी भी मेरी तरफ बंदे ने देखा नहीं, बंदा लैपटॉप पे ही काम कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन फेंक के मारा, देन व्हाट डू यू वॉन्ट? मैंने कहा कि सॉरी सर मैं समझा नहीं। तो बोला कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या मिलेगा? मैं कहा सर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बोल दें कि फिर मेरी तरफ देखा, जब कुछ मिलेगा नहीं तो कर क्यों रहे हो फिर ये सब, क्या मतलब है, कितना पैसा मुझसे लोगे या कितना पैसा मुझे दोगे? तो मैंने कहा कि सर ना मैं आपसे पैसे लेने आया हूँ और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको दे सकूँ। तो बोले कि फिर कितने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ एडमिशन करा पाओगे? मैं कहा सर मैं कोई टारगेट लेकर के नहीं आया हूँ और मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ या एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपना BMS कर रहा हूँ। तो बोले कि जब BMS कर रहे हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो पहले तो मतलब बहुत ही अकड़ में बात करी उन्होंने मेरे से, हर क्वेश्चन को एकदम इंग्लिश में चिल्ला करके उन्होंने बोला। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि सर आई एम अ ऑनलाइन एडुकेटर ऑल्सो, और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं ये यूट्यूब वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं जूम पर भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि वो स्टूडेंट्स हैं और वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके कम मार्क्स हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं आपके कॉलेज के अलावा और कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं उन बच्चों के थ्रू यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उन्हें एक राइट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो पहले तो भड़क गए, कहते हैं राइट इन्फॉर्मेशन तो आजकल नेता नहीं देते हैं, तुम क्या दे दोगे? मैं कहा सर तो उसमें गलत क्या है, जो फीस है जो चीज़ है वो तो मैं बताऊंगा ही। तो बोले कि कितना पैसा लोगे हमसे? मैं कहा नहीं सर मैं कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा। तो बोले कि अच्छा तो फिर क्या करोगे इन सब से बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दे के क्या करोगे? मैं कहा कि कुछ नहीं। तो बोले तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कहा कि मे बी दे विल सब्सक्राइब माई चैनल। कहते ओनली द सब्सक्रिप्शन? मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर है ना अभी 5 साल लग जाएगा तुम्हें महीने का 2 लाख कमाने में। तो मैंने कहा ओके। तो बोले कि कितने बच्चे हैं आपके पास ऑनलाइन में? मैंने बताया जितने मेरे पास हैं। तो फिर उसके बाद बोले कि फीस कितनी है उनकी, कितना पैसा आप लेते हैं? तो मैंने कहा देखिए एक्चुअली वो दिल्ली में एक ऑफलाइन की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और मैं वहाँ बायो फैकल्टी के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑनलाइन जूम पे क्लास लेता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकता इसलिए।
तो बोलते हैं कि अच्छा तो कट पिट के तुम्हें कितना मिलता है, तो मैंने बताया। उन्होंने अब मार्केटिंग के हैं तो ऑब्वियसली दिमाग तो उनका तेज चले गए, उन्होंने तुरंत अपना कैलकुलेट किया कि एक बच्चे का इतना है तो इसके पास इतने बच्चे हैं तो साल का ये इतना कमा लेता है। उसके बाद जब उसने ये सब जोड़ा उड़ा और फिर पूछा कि हाँ इतने बच्चे हैं, फिर उसके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करी और फिर मेरे पास फिर पोलाइटली बात किया, फिर बोला कि अच्छा अगर आज आपके पास इतने बच्चे हैं तो कल ये बच्चे मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, परसों और ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने कहा या ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं कि अच्छा इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने कहा या। तो फिर बाद में बोले कि जेंटलमैन मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, वैसे तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आती हैं, काउंसलर आते हैं। कह रहे थे आप तो अकेले आए, मेरे पास तो पूरी 10-10 लोगों की टीम लेकर आते हैं, ड्रोन लेकर आते हैं, हम आपके कॉलेज का ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसा फोटो शूट करेंगे। कहता आपके पास तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहूँगा। तो पहले तो मुझे ईमेल दिखाई, कहता है मेरे लैपटॉप में, कहता देखिए मेरे पास कितने ईमेल आते हैं, ये काउंसलर, उसने मुझे ईमेल दिखाया, पढ़वाया। कहता मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन फिर भी आप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं, और ऑफर ये है कि आप पहले तो जो कर रहे हैं उन सबको छोड़िए, आप BMS के बच्चों को छोड़िए, पढ़ाना छोड़िए। कह रहा था अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत टाइम लगता होगा, पहले नोट्स बनाओ, फिर खुद भी पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, है ना, तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होता होगा। कहता है इन सब चीज़ों में ज़िंदगी चली जाएगी, कुछ नहीं कमा पाओगे, मैं आपको सीधा स्ट्रेट ऑफर देता हूँ कि आप मेरे पास BDS के बच्चे लेकर के आओ। कहते हैं आज BMS के बच्चे, MBBS के बच्चे, ये कोई टफ काम नहीं है, कह रहे थे ये अपने आप सीटें भर जाती हैं, आज जो टफ काम है वो है BDS के बच्चों को लेकर के आना। तो मैंने कहा अच्छा। कहते मेरे आप BDS के बच्चे लेके आइए, फार्मास्यूटिकल्स के लेकर के आइए, नर्सिंग के बच्चे लेकर के आइए, मैं आपको एक बच्चे का 50,000 रुपये दूंगा, सोचो 50,000। कहते आप अगर 5-10 बच्चे भी ले आए तो सोचो आप कितना पैसा कमा लोगे, आप 5 लाख तो ऐसे कमा लोगे। तो कहता है जितना आप पढ़ा करके इन बच्चों से साल भर में कमाते हैं ना, वो आप महीने से कमा पाओगे। तो मैंने कहा कि सर मैंने एक्चुअली अभी सोचा नहीं है इस बारे में। तो थोड़ा सा उन्हें बुरा लगा, जब उन्हें लगा कि मैं मना कर रहा हूँ। तो अब ऑब्वियसली यार वीशी है, एकदम कांच के केबिन में बैठा हुआ, चिल्ड AC, एसी मतलब वो वाली एसी नहीं है अपने घर में चल रही है और हॉस्टल में चलती है, एकदम वो एसी नहीं, चिल्ड AC, चिल्ड मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करना पड़े, इतनी चिल्ड AC चल रही थी वहाँ पे। और वहाँ जैसे ही उसने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने मना कर दिया कि नहीं सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो अब मार्केटिंग का है, एक चीज़ काम नहीं आई तो दूसरा तुक्का मारो, शायद फंसे। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे एक फ्रेंड है, वो सिर्फ यही काम करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं, और साल का 6.5 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिंदगी को मस्त जीते हैं, सिर्फ बच्चों का एडमिशन करते हैं और कुछ नहीं करते वो। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने पैसे फेंक के मारे कि शायद मैं बदल जाऊँ। तो बोलते हैं ठीक है आप अपना आधार दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, मैं अभी आपका MO फाइल कराता हूँ, और उसके बाद देन कल से आप काम पे लग जाइए, अपना एडवर्टाइज करिए, जो करना है वो करिए। तो मैं कहा सर गिव मी द टाइम टू थिंक अबाउट इट, एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट कंपनीज और मेरा ये फील्ड नहीं रहा है तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। तो तुरंत एकदम बेल बजाए, टिंग 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 टिंग, टर्न टर्न टर्न, रखी नहीं होती बगल में एकदम दबाओ, टिंग 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 टिंग, ऐसे 10 बार दबाया, तुरंत असिस्टेंट आया उसके, यस सर इनके इनका आधार कार्ड लो, इनका पैन कार्ड लो, इनका MO फाइल करो तुरंत, अभी कल से ही अपने कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट करें। मैं कहा अरे सर तांबा तांबा तांबा, दूसरी बार बोला, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ सर गिव मी द टाइम टू थिंक अबाउट। अब ये बात फिर उसे बुरी लगी, अब उसने पैसों के अलावा तीसरा तुक्का मारा, तीसरा तुक्का बोला कि जेंटलमैन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कह यार सर सुनाइए, अब यार VC के ऑफिस में बैठे हो, डायरेक्टली कह तो सकते नहीं हो कि नहीं सर मैं बात नहीं सुन रहा, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, नहीं कह सकते। तो मैं कहा ठीक है सर। अब ऑलरेडी 1.5 घंटे वो मेरे ले चुके थे, ये तो मैं आपको छोटी छोटी स्टोरी बता रहा हूँ, मुद्दे की बात, बाकी 1.5 घंटे तो बहुत बात की मेरे से। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, कहते हैं एक भक्त था, शंकर जी की आराधना करता था, और उसे मालूम था शंकर जी की आराधना करेगा तो 20-30 साल लगेंगे तब जाके शंकर जी उसे दर्शन देने आएंगे। तो कह रहे थे कि तब भी वो इंसान
जुनून में था कि नहीं मैं आराधना करूंगा चाहे जितना टाइम लग जाए। तो वो 20 साल के लिए आराधना करने लगा, तपस्या करने लगा। अब शंकर जी को तो मालूम है कौन उनका गुणगान कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो शंकर जी देख रहे थे उसे तपस्या करते हुए। तो सडनली क्या हुआ कि पार्वती जी आ गईं। तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि जब आपको पता है कि ये आपका ही भक्त है, आपकी आराधना करता है, तो इतना टाइम क्यों लेते हैं आप तुरंत चले जाइए ना दर्शन देने, क्यों उसको इतना परेशान कर रहे हैं। तो अब पार्वती जी ने कहा तो शंकर जी उनकी बात भी मान गए। अब वाइफ है उनकी, मानना पड़ेगा, हर घर में सरकार चलती है लेडीजों की। तो भगवान भी मान गए, भगवान आए, उसको दर्शन दिया। अब चौथा दिन था, भगवान आ गए। तो जैसे ही भगवान आए, उसे यकीन नहीं हुआ कि चौथे दिन में तो भगवान आ ही नहीं सकते। उसने लाठी उठाई और शंकर जी को मारना चालू कर दिया। अब जब शंकर जी को मारना चालू कर दिया तो शंकर जी वहां से चले गए, वो भक्त अपना फिर उसी काम में लग गया। तो ये उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। ये कहानी का जो सार है वो अभी मैं बता रहा हूँ। उस कहानी का सार ये था कि फिर उन्होंने मुझे बताया कि वही हाल आपका है जेंटलमैन। तो बोले कि मैं आपको एक छोटे भाई होने के नाते आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, वरना मैं इतना किसी से बात नहीं करता। आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो वही हाल आपका है, आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे उतना पैसा कमाने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली ऑफ़र दे रहा हूँ, और ऑफ़र ऐसा कि आपको यहाँ आना भी नहीं है, आपको सिर्फ बच्चे वहाँ से भेजना है और उस बच्चे के हाथ में एक एप्लीकेशन लिखना है कि सर मेरा नाम ये है, ये बच्चा मैं भेज रहा हूँ, और इस बच्चे का अपने यहाँ एडमिशन ले लीजिए। मैं तुरंत जैसे ही बच्चा यहाँ एडमिशन करेगा, अपनी फीस जमा करेगा, मैं आपके खाते में 50,000 ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मुझे ऐसा बोला। अब भाई मैं सीधा बंदा यार, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना तो नहीं करना। जो चीज़ अपने लिए एक उसूल है कि भैया किसी से पैसे लेकर के फालतू की चीज़ प्रमोट नहीं करनी तो नहीं ही करनी, फिर चाहे उसके लिए 5 लाख दे चाहे 50 लाख दे, मुझे मतलब नहीं। मैंने फिर मना कर दिया। मैं कहा सर गिव मी द टाइम टू थिंक अबाउट इट, मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। अब 3 बार वो बंदे मुझे समझा चुके। अब उसके असिस्टेंट बोले मेरे से, नहीं उनसे वीशी सर से, बोलते सर आप ना काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, वरना आपसे पहले जो वीशी थे ना वो कभी एक तो बात नहीं करते थे, और बात करते भी थे तो इतना सोचते नहीं थे, वो इंस्टेंट एकदम कुछ भी हो तुरंत डिसीजन लेते थे। मैं साइन कराने आऊँ सर ऐसा ऐसा है, यहाँ इतना पैसा लगेगा, तुरंत साइन कर देते थे। सर इसने ये कहा है ऐसा करना है, तुरंत साइन कर दे। कहते वो बहुत तुरंत मतलब इमिडिएटली कोई भी चीज़ को तुरंत एकदम कर देते थे, कहते इसीलिए वो बहुत सक्सेसफुल थे। तो मेरी तरफ देखे, हंसने लगे, कहते हैं देखिए, और फिर कमाई भी बताई उनकी। कहते वो महीने का अच्छा खासा कमाते थे, साल की सैलरी भी उनकी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो क्विक डिसीजन लेते थे। कहते वही हाल इनका है, इतना पैसा आ रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन फिर भी हाँ नहीं कर रहे। तो दोनों लोग मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, मैं बस अपने मन में सोच रहा था कि यार गाली दे रहा था अपने दोस्त को कि साला कहाँ फंसा दिया यार। मैंने इससे बोला था सिर्फ कॉलेज की फ़ीस पता करनी है, बच्चों से पूछना है कैसा ओपीडी या हॉस्पिटल कैसा, बस इतना ही पूछना है, मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट और इन सब में टाइम नहीं बर्बाद करना। तो मैं अपने दोस्त को बैठे बैठे कर ही आ रहा था साला कहाँ फंसा दी सर। फिर उसके बाद दोनों लोग हंसते रहे। अब टाइम भी हो रहा था और उन्हें ये पता चल गया था कि मैं हाँ नहीं करूँगा। देन उसके बाद मैंने कहा कि सर अच्छा लगा आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू, और गिव मी द टाइम टू थिंक अबाउट इट, आई विल टेल यू। तो बोले ठीक है जेंटलमैन, आपको 7 से 10 दिन का टाइम देता हूँ, आप मुझे बताइए, और जिस दिन आपका मन करे यहाँ आके एमओ साइन कर जाइएगा, और उसके बाद आप पहले बच्चे से अपनी जितनी भी अर्निंग हो आप मुझसे पूरी ले लीजिएगा, 1 रुपये मैं काट के नहीं दूंगा। कह रहे थे आपकी तो फीस कट के आती है पहले दिल्ली, दिल्ली से फिर आपके पास, मैं 1 रुपये नहीं काटूंगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेजूंगा। मैं कहा नहीं सर रहने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन के लिए और मुझे होस्टिंग के लिए, इतना वेलकम करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद देन हम वहाँ से चले आए। और ये कहानी से बस सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज जो है वो BDS का हाल बहुत थोड़ा सा बुरा चल रहा है, इसलिए जिन बच्चों के भी नीट में कम मार्क्स हैं और ख्वाब उन्होंने डॉक्टर बनने का ही देखा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर MBBS नहीं मिला है गवर्नमेंट से तो कोई बात नहीं, आप BMS के लिए ट्राई कर सकते हैं, और BMS के लिए अगर
आप गवर्नमेंट वो भी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन BDS करने से पहले एक नहीं हजार बार सोचिएगा, और सोचिएगा नहीं, आप जा करके किसी भी BDS डेंटल सर्जन होते हैं, डेंटल के हॉस्पिटल होते हैं, वहां जाकर के उनकी कंडीशन पहले देखिएगा और उनसे बात भी करिएगा कि कितने साल लग गए, अगर बहुत अच्छा सेटअप है तो उसमें कितने साल लग गए। तो ये सब जायजा लेकर के ही आप BDS करिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा ना मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक सलाह जरूर दे रहा हूँ कि BDS से बहुत बच के रखिए। आजकल कोई स्कोप नहीं है और आगे आने वाले समय में भी नहीं होने वाला। आप और हम बहुत मजबूरी ना हो जाए, दांत इतना दर्द करे कि सोना मुश्किल हो जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी डेंटल को दिखाने जाएंगे। जब तक एकदम जान की नौबत नहीं आ जाएगी हम लोग कभी दांतों को दिखाने जाते ही नहीं है। तो सोचो जब इंसान जाता ही नहीं है, आप और हम नहीं जा रहे हैं, तो वहां बाकी कौन जाएगा? वही लोग जाते हैं जिनकी शादी वादी होने वाली होती है, दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो तार वार बंधवाने जाते हैं। आपने इतना ही देखा होगा BDS वालों में कि हाँ डेंटल के हैं, उनसे कोई दांतों में तार बंधवा के चला आया ताकि दांत सीधे हो जाएं, ठीक है। इतना, इसके अलावा कोई इलाज कराने नहीं जाता, ठीक है। तो आप BMS करें, BHMS करें, या अगर बहुत पैसा है आपके पास, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप प्राइवेट MBBS भी कर सकते हैं। आप BMS करके भी वही लाइफ जिएंगे, आप MBBS करके भी वही लाइफ जिएंगे, लेकिन हायर, जितना ऊपर चलते चले जाएंगे उतनी ही लाइफ आपकी बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो बस यही एक सजेशन देना था इस स्टोरी से कि BDS करना है तो प्लीज़ सावधान हो जाएं। और ऐसे ऑफर मेरे पास बहुत बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला था, लेकिन हाँ अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। ऑफर इस तरह के और भी आ चुके हैं कि मेरे कॉलेज का प्रमोशन कर दीजिए, मेरे कॉलेज का प्रमोशन कर दीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो लो क्वालिटी के हैं, वहाँ पर पूरी सीटें नहीं फिल हो पाती हैं, तो वो मुझे बहुत पैसा देने के लिए तैयार हैं कि अगर मैं 5-10 बच्चे भी ले आता हूँ तो वो उनके लिए इनफ है, एटलीस्ट उनका कॉलेज नहीं बंद होगा। क्योंकि आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा बहुत सारे BMS के कॉलेजेस बंद भी हो जाते हैं अगर रिजल्ट खराब है, या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा नहीं है, या बच्चे वहाँ पर पूरे नहीं हैं तो भी कॉलेजेस वहां पर बंद हो जाते हैं। तो कॉलेज बंद ना हो, इससे अच्छा वो किसी को पैसे देकर के बच्चों को अपने यहाँ एडमिट करा लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ और ना मैं कभी करूँगा। और इसी के साथ बस मैं आपसे एक फेवर मांगता हूँ, वो फेवर चाहे आप मेरा स्वार्थ समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, फेवर सिर्फ इतना है कि अगर आप मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही फेवर मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। और मैं बेवजह ये भी नहीं कहता कि आप सबको शेयर करें, लेकिन हाँ आपका जो दोस्त है और आपको लग रहा है कि नहीं उसे इस फील्ड में जाना है, उसे BMS करना है, तो BMS से रिगार्डिंग अगर उसे कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे इंस्टा का आपको लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, और इसी के साथ पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। और एक बात और, नीट में कम मार्क्स आए हैं कोई बात नहीं, लाइफ आगे जाकर के सब बेहतर हो जाएगी, तो ज़्यादा सोचना नहीं है और फालतू का रोना धोना नहीं है। थैंक यू।